परिवार, एक किस्मत, वाह, हर तरफ पैसा ही पैसा दिखाई देता है। बड़ा भाई जायदादों वाला और छोटा भाई मामूली तनख्वाह लेने वाला सरकारी मुलाजिम। मेरी किस्मत में तो तुम ही लिखे थे अब्दुल कयूम, किस्मत की रानी तो आपदा भाभी हैं, आपदा भाभी। आसिया, ए आसिया। जी बीबी जी, शाइस्ता और उसके मियाँ चले गए। जी बीबी जी। हाय अल्लाह, कैसा मगरूर आदमी है, ये नवा के अंदर आकर एक कप चाय का पी ले। खैर, तुम ऐसा करना, पिलाओ के साथ ना शामी कबाब फ्राई कर लेना और शाम को खीर भी बना लेना। जी बेहतर है। वैसे आपदा भाभी और फान भाई पहुंच तो गए होंगे इस्लामाबाद, ये ना हुआ कि एक फोन ही कर दे, मसरूफ होंगे अपनी मौज मस्तियों में। आशिर, ए आशिर, चला बेटा तुझे कपड़े बदल दूं। आशिर, ए तुमसे कह रही हूं, आजा मेरा बच्चा, चला। ये किसका फोन आ गया? हेलो, क्या? हाय अल्लाह, मगर कैसे? दिल ही नहीं मान रहा कि इरफान और आपदा इस तरह चले जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा कि इस घर में अब उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। अम्मा पापा के जाने के बाद इरफान भाई का सहारा था हमारे सरों पर, उन्होंने कभी भी उनकी कमी हमें महसूस नहीं होने दी। हम सच में लावारिस हो गए भाई, हम बहुत अकेले हो गए। मेरे आर्यन का क्या होगा, कैसे रहेगा वो माँ बाप के बगैर, कौन करेगा उसकी परवरिश? अरे मैं करूंगी इसकी परवरिश, ये मेरा बेटा है, हम बनेंगे इसका साहिबान। हाशिर से ज्यादा प्यार दूंगी मैं इसको। बिल्कुल फिक्र मत करो शाइस्ता, आज से हमारा एक नहीं दो बेटे आलियान और हाशिर। लेकिन भाभी आप देखो भाई शाइस्ता, आपदा भाभी से लाख अनबन सही, मगर इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं ना। फिर भी भाभी आप सोच ले, आर्यन अभी बहुत छोटा है, इसका हर तरह से ख्याल रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या आप उठा पाएंगे? हाँ तो क्या, तुम उठाओगी इसकी जिम्मेदारी? तुम्हारा शौहर तो उनके जनाजे पर भी ठीक से फर्ज ना अदा कर सका अपने अना और गरूर की वजह से, बच्चे को क्या बर्दाश्त करेगा वो? खुदा के लिए भाभी, कभी कोई बात ताना दिए बगैर भी कर लिया करे, देख रही है ना कि हम कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। शाइस्ता बिल्कुल ठीक कह रही है, शाइस्ता मैंने कहा ना तुम फिक्र मत करो, मैं आलियान को इस बात का एहसास ही नहीं होने दूंगा कि मैं उसका बाप नहीं ताया हूं, मैं अपने बच्चों की तरह उससे प्यार करूंगा। देखो इरफान के बाद जब उसके कारोबार का और जायदाद का ख्याल मुझे ही रखना है तो आलियान का भी ख्याल मैं ही रखूंगा। आप ठीक कह रहे हैं भाई, आप ताया हैं इसके और मुझे यकीन है कि मुझसे ज्यादा आप इसका ख्याल रखेंगे। फिर भी शुक्रिया भाई, इसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाकर आपने मेरी फिक्र बहुत कम कर दी। हाँ हाँ,
कहा ना हमने कि आज से हमारे एक नहीं दो दो बच्चे हैं। बहुत प्यार से रखूंगी मैं इसे। भैया आप कहाँ चले?